मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़े, उसके भेद जाने, उसकी परिभाषा जाने। अब हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे और पढ़ेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है संज्ञा किसे कहते हैं? का है में है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव का बोध कराने वाले क्या कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, उनके नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरा में नीचे दिए गए संज्ञा के शब्दों के सामने संज्ञा के भेद का नाम लिखिए। यहाँ दिया है सफलता, अच्छी, नीचे दिए गए संज्ञा के शब्दों के सामने संज्ञा के भेद का नाम लिखिए। तो सफलता, तो इसमें सफलता कौन सा संज्ञा है? इसमें सफलता हम लोग पढ़े हैं कि कौन सा संज्ञा है, तो इसमें सफलता भाव वाचक संज्ञा। पक्षी इसमें कौन सा संज्ञा है? तो इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं जातिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी में हम लोग व्यक्ति का नाम पढ़े हैं, तो ये हो गया व्यक्ति
वाचक संज्ञा। उसके बाद बुढ़ापा, बुढ़ापा किस संज्ञा में आता है? तो भाववाचक में आता है। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। सफलता भाववाचक संज्ञा। पक्षी हो गया जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारे पक्षी आता है जातिवाचक में। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक ही महात्मा गांधी। बुढ़ापा हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर तीसरा प्रश्न उत्तर है सही और गलत का चिन्ह लगाने वाला। नंबर में है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क में है निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। दूध संज्ञा है, नगर संज्ञा है, और नहीं है तो नहीं है इसमें क्या हो जाएगा? उन्होंने। ख का हो गया निम्न में से संज्ञा शब्द है तो दशा, पढ़ना, ये संज्ञा शब्द नहीं है, पर्वत संज्ञा है। ग में हो गया ईमानदारी अच्छा गुण है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अच्छा गुण ईमानदारी, इसमें भाववाचक संज्ञा ईमानदारी है। घ में हो गया निम्न में से भाव कौन सा है? मोर, चावल, प्रेम, इसमें कौन सा भाव है? प्रेम। ठीक है, अब देखो पांचवा नंबर में निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। इन सब शब्दों को छांटकर हम लोग लिखेंगे व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, भाव में। तो पहले हम लोग व्यक्ति का छांटकर लिख लेते हैं। व्यक्ति में हो गया सचिन, रमन, राहुल, उसके बाद मदर ट्रेसा, मदर ट्रेसा, उसके बाद यहाँ हो गया अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, उसके बाद व्यक्ति का हो गया। उसके बाद वस्तु का लिखेंगे हम लोग, फूल, फल, कुर्सी, कंप्यूटर, उसके बाद पुस्तक, उसके बाद स्थान में लिखेंगे मथुरा, उसके बाद मथुरा के बाद लखनऊ, उसके बाद आगरा, उसके बाद हो गया हरिद्वार, उसके बाद मुंबई, उसके बाद हम लोग छांट कर भाव का लिखेंगे। इसमें हो गया भाव में हो गया अच्छाई, गर्व, लड़ाई, उसके बाद मिठास, सफलता,
तो व्यक्ति में हो गया सचिन, रमन, राहुल, मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन। वस्तु में हो गया फूल, फल, कुर्सी, कंप्यूटर, पुस्तक। स्थान में आ गया मथुरा, लखनऊ, आगरा, हरिद्वार, मुंबई। भाव में आ गया अच्छाई, गर्व, लड़ाई, मिठास, सफलता। ठीक है, इसको तुम लोग पेज नंबर 25 में भी भर लेना तुम लोग, और इसको याद कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।